यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसके अंदर हम करेंगे जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है उसकी एंट्री कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे, प्लस में डिस्काउंट सीखेंगे। विंडो, तो आज हम ये टॉपिक करेंगे। तो देखो हमारे पास फर्स्ट एंट्री दी हुई है जिसके अंदर हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो वो हमारा कई सालों तक एक बिजनेस चलता रहता है, पर बिजनेस में एक पीरियड होता है 1 ईयर का, जिसमें हम ये निकालते हैं कि हमें 1 साल में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। जब वो फाइनेंशियल ईयर होता है जिसके अकॉर्डिंग हम वो निकालते हैं, 31 मार्च को ख़त्म होता है ये हमारा और 1 अप्रैल को शुरू होता है। जो 31 मार्च को हमारा ख़त्म होता है तो हम उसके अंदर ये देखते हैं कि जो हमारा माल कितने का बच गया, कितना लेना है, जो माल हमारे पास बच जाता है या जिससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने देने हैं, उन सबकी काउंटिंग की जाती है। तो जो माल 31 मार्च को बचा हुआ होता है उस माल को या उस बैलेंस को हम 1 अप्रैल को अगले दिन अगले फाइनेंशियल ईयर में चढ़ा देते हैं। जो हम 1 अप्रैल को उस बैलेंस को चढ़ाएंगे उसे हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। मतलब कि 31 मार्च को जो बैलेंस क्लोजिंग था वही बैलेंस हमारा 1 अप्रैल को ओपनिंग बन जाएगा। तो आप देखोगे इसके अंदर कि हमारे पास कुछ बैलेंस दिया हुआ है, तो देखेंगे हमें क्या बैलेंस दिया हुआ है। हमें एसेट्स दे रखी हैं, एसेट्स के अंदर क्या दे रखा है वो देखते हैं। कैश 15,000 रुपये से, बैंक बैलेंस है 5,000 रुपये से, स्टॉक है 40,000 रुपये से और डेटर्स है 24,000 रुपये से। तो अगर हमारे पास एसेट्स हैं तो लाइबिलिटीज भी होंगी क्योंकि दायित्व तो भी साथ साथ चलते हैं एसेट्स के। तो लाइबिलिटीज में देखते हैं क्या है, बैंक लोन है 10,000 से और क्रेडिटर्स हैं 12,500 रुपये से। तो इसकी एंट्री कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। तो हमने एंट्री स्टार्ट करी, सबसे पहले हम यहाँ पे डेट डालेंगे। फर्स्ट डेट डाली हमने, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास कैश का बैलेंस था, हमने कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। बैंक का था और स्टॉक भी था, बैंक अकाउंट डेबिट, हमने यहाँ पे बैंक को भी डेबिट कर दिया। और क्या था, स्टॉक भी था, हमने यहाँ पे स्टॉक को भी डेबिट कर दिया। 3 चीजें हम कर चुके हैं, कैश, बैंक और स्टॉक। उसके बाद क्या आता है, डेटर्स, तो हम डेटर्स को भी डेबिट कर देंगे यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे डेटर्स को भी डेबिट कर दिया। ठीक है, अब बात आती है कैश कितना है, अमाउंट लिखेंगे सारी। कैश है 15,000 रुपये और बैंक है 5,000 रुपये। तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश के सामने लिखेंगे 15,000 रुपये और बैंक के सामने क्या लिख देंगे, 5,000 रुपये, क्योंकि एसेट्स है इसलिए इनका बैलेंस भी डेबिट रहेगा। और हमारे पास देखते हैं स्टॉक है 40,000 रुपये का और डेटर्स हैं 24,000 रुपये के। तो 40,000 रुपये का स्टॉक है हमारे पास, मतलब कि बचा हुआ माल, डेटर्स जिनसे हमने पैसे लेने हैं 24,000 रुपये। ठीक है, अब कुछ क्या कहता है आगे उसी एंट्री के अंदर देखते हैं। लाइबिलिटीज दी हुई है, मतलब कि पैसे देने हैं उनको, तो ये हमारी लाइबिलिटीज है, तो हम इनको क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे। अब क्रेडिट करना है तो क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। सबसे पहले क्या है, बैंक लोन, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैंक लोन, बैंक लोन कितने से है, 10,000 रुपये से। तो क्रेडिट साइड में गए हम, तो हम क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे, 10,000 रुपये। तो हमने क्रेडिट साइड में क्या लिखा, 10,000 रुपये। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बैंक लोन के बाद क्रेडिटर्स दे रहा है 12,500 रुपये से, तो
क्रेडिटर्स हैं, मतलब कि हमने इनको पैसे दे दिए, तो हम इसको भी क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे कितने से, 12,500 रुपए से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू क्रेडिटर्स, ठीक है, कितने से, 12,500 रुपए से। देखो ये हमारा बैलेंस है एसेट साइड का और डेबिट साइड का। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी हम कोई जर्नल एंट्री करते हैं तो कुछ भी करते हैं तो डेबिट और जो क्रेडिट साइड होती है ये दोनों हमेशा इक्वल रहती हैं। तो हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो देखेंगे कितना है, 15,000 और 5,000, 20,000 और 40,000, 60,000, 60,000 और 24,000, 84,000 रुपए है। और क्रेडिट साइड में आएंगे तो देखेंगे इसका टोटल कितना है हमारा, 10,000 और 12,500 रुपए है, तो टोटल कितना हो गया, 22,500 रुपए। तो आप देखोगे कि इधर का टोटल 84,000 रुपए था और यहाँ का टोटल 22,500 रुपए है। तो मतलब कि क्रेडिट साइड का टोटल कम है हमारा, तो हमें इसको बराबर करना पड़ेगा। जब टोटल क्रेडिट साइड का कम होता है तो क्या लिखते हैं, टू कैपिटल, क्योंकि वो हमारी पूंजी होती है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू कैपिटल काम, कि हमने इतने की पूंजी भी लगा रखी है। अब क्या करेंगे, 84,000 में से 22,500 माइनस कर देंगे तो देखो क्या आएगा, 62,500 रुपए। आप इन दोनों तरफ का टोटल करोगे तो वो इक्वल हो जाएगा हमारा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 ओपनिंग बैलेंस, हम ओपनिंग बैलेंस चढ़वा रहे हैं, लेके आई है कहाँ से, फॉरवर्ड करके आई है, ऊपर से लाए थे पिछले साल का है इसलिए फॉरवर्ड किया है हमने। तो ये थी हमारी फर्स्ट एंट्री। उसके बाद आते हैं हम अपनी सेकंड एंट्री पर। तो हम सेकंड एंट्री देखेंगे क्या कह रहा है, प्रोप्राइटर विड्रो फॉर हिज पर्सनल यूज कैश ₹20,000, गुड्स वर्थ ₹10,000। कह रहा है प्रोप्राइटर मतलब कि मालिक ने, विड्रो का मतलब होता है निकालना, पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं, और क्या कह रहा है, गुड्स भी निकाला है 10,000 रुपए का। तो अब हम एंट्री क्या करेंगे, पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो हम एंट्री के अंदर करेंगे तो हम एंट्री लिखेंगे, सेकेंड एंट्री है ड्रॉइंग्स, हमने यहाँ पे लिखा ड्रॉइंग्स, हम ड्रॉइंग्स को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। हमने ड्रॉइंग्स के अकाउंट को क्या कर दिया, अकाउंट को डेबिट कर दिया। टू कैश निकाला है, टू कैश अकाउंट, और क्या निकाला है, टू परचेज, गुड्स भी निकाला था तो टू परचेज अकाउंट। अब देखा नहीं हमने कितने का कौन सा निकाला है, तो हम देखेंगे कौन सा कहाँ पे निकाला है। तो अब हम देखते हैं जो गुड्स है वो निकाला है 10,000 रुपए का और कैश कितने का निकाला है, 20,000 रुपए का, मतलब कि टोटल कितना निकाला है, 30,000 रुपए का। तो अब इन दोनों का टोटल कर दिया तो मतलब माल कितने का, पर्सनल यूज कैश और गुड्स मिला के 30,000 रुपए। तो कितने से निकाला, 30,000 रुपए से, तो ड्रॉइंग में क्या आएगा, 30,000 रुपए। तो अब देखेंगे कैश कितना निकाला था, 20,000 रुपए, तो कैश के सामने 20,000 रुपए लिखेंगे और परचेज मतलब कि जो माल निकाला था गुड्स वो 10,000 रुपए। तो दोनों का जो टोटल किया वो ड्रॉइंग्स में चला गया है हमारा। तो हम नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, फोर प्रोप्राइटर ने निकाला था, तो नरेशन के अंदर लिखेंगे प्रोप्राइटर और प्रोप्राइटर क्या करा है, प्रोप्राइटर विड्रॉ ने विड्रॉ किया है किसके लिए, फॉर हिज पर्सनल यूज
के लिए कैश रुपीज कितना 20,000 एंड गुड्स निकाला था रुपीज 10,000। देखो हमारी एंट्री होगी, टॉप राइटर ने विड्रॉ किया पर्सनल यूज कैश कितना किया 20,000 रुपए और गुड्स कितना किया है 10,000 रुपए। तो जो दोनों का टोटल मतलब कि टोटल ड्रॉइंग्स कितने की हुई 30,000 रुपए की हुई। तो हमने ये एंट्री कर दी है। तो उसके बाद देखते हैं हमारी थर्ड एंट्री क्या है। गुड्स फॉर रुपीज 50,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी सेम प्राइस रुपीज 60,000। देखो इसके अंदर क्या कह रहा है, गुड्स माल 50,000 रुपए का माल हमने चैरिटी में दे दिया मतलब कि दान में दे दिया है, बट कह रहा है सेल प्राइस 60,000 रुपए है। जब हम कोई चीज चैरिटी में देते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए देते हैं, तो हम इन चीजों की कॉस्ट वैल्यू पे एंट्री करते हैं, कभी भी सेलिंग प्राइस पे नहीं करते। ऐसे ही जो ड्रॉइंग्स होती है उसकी भी हम कॉस्ट वैल्यू पे एंट्री करते हैं, कभी भी सेलिंग प्राइस पे नहीं करेंगे। तो आप इसके अंदर देखोगे जो चैरिटी है वो कॉस्ट प्राइस पे करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस 50,000 रुपए है, तो हम यहाँ पे एंट्री 60,000 रुपए से ना करके किससे करेंगे, 50,000 रुपए से करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, चैरिटी खर्चा है और गुड्स चला गया है यहाँ पर, तो हम एंट्री क्या करेंगे देखते हैं। तो हमने थर्ड एंट्री स्टार्ट की है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, चैरिटी, चैरिटी अकाउंट को डेबिट कर दिया है कितने से, जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी। तो कॉस्ट प्राइस क्या थी उसकी, 50,000 रुपए। तो 50,000 से डेबिट किया है, टू कम क्या हो रहा है, टू परचेज। जब गुड्स कम होता है तो किससे एंट्री करते हैं हम, परचेज से। तो परचेज अकाउंट कितने से, क्योंकि जो माल आया था वो कितने का आया था, 50,000 का। तो 50,000 रुपए से ही कम हुआ है, तो हम नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, फॉर गिवन एज कॉस्ट प्राइस था रुपीज 15,000 as is a charity and selling price क्या है rupees 60,000। ठीक है, इसे हमने इसकी एंट्री कर दी है। उसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ पॉइंट। तो हम फोर्थ एंट्री में देखते हैं क्या करते हैं। तो हम फोर्थ एंट्री देखेंगे, तो देखो फोर्थ एंट्री के अंदर क्या कह रहा है, कह रहा है गुड्स वर्थ रुपीज 25,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्री सैंपल। गुड्स माल 25,000 रुपए का जो माल था, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, फ्री सैंपल, फ्री सैंपल में बांट दिया। तो फ्री सैंपल किसके लिए बांटी जाती हैं, ऐड करने के लिए। तो जैसे आप देखते होंगे मेडिकल शॉप्स वगैरह पे भी फ्री सैंपल के हमें दवाइयां वगैरह देनी जाती हैं, शीशियां भी पड़ी होती है पीने वाली जो दवाई होती है उसकी, ऐसी बनियाना शॉप होता है इनको भी फ्री सैंपल्स आते हैं यू देखने के लिए कि कैसी है वो चीज। तो वो चीज किसके लिए दी जाती है, अपनी ऐड करने के लिए। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, परचेज, सॉरी हमने क्या दिया, एडवर्टाइजमेंट सामान दिया है, गुड्स दिया है, तो टू परचेज। तो परचेज क्या होगी, क्रेडिट होगी यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या करेंगे, एंट्री डालेंगे फोर, किसके लिए दिए हैं, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट कितने से, देखते हैं कितने का सामान था,
25,000 रुपये का, कुछ नहीं दे रखा तो 25,000 से ही एंट्री करेंगे। तो हमने यहाँ पे 25,000 रुपये से एंट्री की इसकी। तो यहाँ पे 25,000 से एंट्री कर दी हमने। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या कम हो गया, गुड्स टू परचेज से 25,000 रुपये से हम यहाँ पे भी एंट्री करेंगे 25,000। क्रेडिट भी हो गया। नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, फोर गुड्स था हमारे पास, वर्थ रुपीज 25,000 and distributed as free sample, ठीक है। तो उसके बाद आएंगे हम फिफ्थ डेट की एंट्री को। फिफ्थ डेट में देखो क्या कह रहा है, गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 कैश, रुपीज का माल और 20,000 रुपए वर स्टोलन बाय इम्प्लॉय। एक इम्प्लॉय था, स्टोलन का मतलब होता है चोरी करना, तो चोरी कर ली उसने, लॉस बाय थेफ्ट हो गया हमारा। तो कितने का गुड्स, 50,000 रुपए का और कैश 20,000 रुपए का, तो टोटल चोरी कितने की हुई, 70,000 रुपए की। तो हम एंट्री क्या करेंगे यहाँ पे, देखो देखो टोटल कितने की होगी, 50,000 रुपए का माल था और 20,000 रुपए कैश थे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉस बाय थेफ्ट काउंट डेबिट टू, इसके अंदर क्या आ जाएगा, परचेज टू परचेज अकाउंट, और टू के अंदर और क्या आएगा, टू कैश अकाउंट, क्योंकि पैसे भी उठा के ले गया वो एम्प्लॉय। तो कैश अकाउंट कितने से, 20,000 रुपए से। तो माल कितने का हुआ, 50,000 रुपए का। तो हमने यहाँ पे माल लिख दिया 50,000 का, कैश कितने का था, 20,000 रुपए का। देखो तो हमने यहाँ पे 50,000 और 20,000 लिख दिया। तो हम दोनों का टोटल होगा वो लॉस बाय थेफ्ट में लिख देंगे। तो हमने दोनों का टोटल कहाँ लिख दिया, लॉस बाय थेफ्ट के अंदर लिख दिया। कितना हो गया, 70,000 रुपए। तो अब हम नरेशन लिखेंगे। तो नरेशन के अंदर देखो क्या आता है, फोर गुड्स रुपीज 50,000 and cash rupees 20,000 were stolen by employee ने चोरी कर ली है हमारी। ये हमारी एंट्री हो गई। उसके बाद आते हैं हम सिक्स्थ डेट की एंट्री को। तो आप सिक्स्थ डेट की एंट्री में देखोगे कह रहा है, गुड्स वर्थ रुपीज 1,00,000 were destroyed by fire. 1,00,000 रुपए का माल आग लगकर नष्ट हो गया। तो ये भी लॉस है। अब लॉस है तो नॉमिनल अकाउंट का ही रूल लगेगा। तो रूल के अंदर क्या लगेगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। गुड्स को लगा है, कैश को नहीं लगा, तो टू परचेज अकाउंट। 1,00,000 रुपए का था लॉस बाय फायर। तो आज हम स्पेशली परचेज की एंट्री कर रहे हैं जिसमें माल चोरी हो जाता है, आग लग जाती है, किसी भी रीजन से कोई भी लॉस हो रहा है गुड्स को या सैंपल जा रहा है, तो स्पेशल परचेज की एंट्रीज है हमारी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। कितने का था,
1 लाख का था शायद से, 1 लाख का। तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे 1 लाख रुपए से, उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 परचेज, 2 परचेज अकाउंट कितने से, 1 लाख से, ठीक है। 1 लाख से एंट्री होगी। नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, 4 गुड्स था हमारा 1 लाख, क्या हो गया इसको, वर डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गया किससे, बाय फायर से, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री में आते हैं, 7th डेट की एंट्री में क्या कहता है, कह रहा है बाउट गुड्स फ्रॉम कैलाश 4 रुपीज, बाउट गुड्स फ्रॉम कैलाश 4 रुपीज 20,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2% पेड 60% अमाउंट इमीडिएटली। न्यू एंट्री है, कह रहा है कि माल खरीदा हमने कैलाश से कितने का, 20,000 रुपए का। अब माल खरीदा है कितने का, 20,000 रुपए का, ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, नाम भी दे रहा है, तो ट्रेड डिस्काउंट है वो तो माइनस ही होगी, और कैश डिस्काउंट भी दे रहा है, इसका मतलब कैश भी आ रहा है, क्योंकि जब कैश आता है अगर पेड 60% इमीडिएटली, अगर ये वहाँ पे ये यहाँ तक छोड़ देता कैश डिस्काउंट 2%, तो हम पूरी अमाउंट को ही कैश मान के चलते कि जो हमने माल खरीदा है वो कैश में खरीदा है। बट यहाँ पर 60% अमाउंट इमीडिएटली, मतलब कि 60% अमाउंट पे कर रहा है, तो इसका मतलब कैश डिस्काउंट किस पे लगेगा, 60% पर। तो हम एंट्री क्या करेंगे यहाँ पर 7th डेट की, तो सबसे पहले माल की कॉस्ट देख लेंगे कितने की है, 20,000 रुपए की है, और 10% रेट डिस्काउंट है, तो सबसे पहले 20,000 रुपए का 10% निकाला, तो हमारे पास आता है 2,000 रुपए। तो हमने यहाँ पे परचेज की है, तो आप परचेज कर रहे हो, अब सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, तो 20,000 रुपए में से 2,000 रुपए चले गए, तो देखो कितने आ जाएंगे, 18,000 रुपए, ठीक है। 2, अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 पैसे भी दे रहा है, तो 2 कैश अकाउंट, मतलब कि हमारे पास पेमेंट आ रही है, 2 कैश अकाउंट, देखते हैं कितनी देगा, और उधार में भी होगी कितनी, 40, क्योंकि क्या नाम था, कैलाश, हमने यहाँ पे कैलाश को कर दिया क्रेडिट। अब यहाँ पे कैश है, तो डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, तो डिस्काउंट रिसीव आएगी, क्योंकि कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगी, ठीक है। अब सबसे पहले 18,000 का कितना परसेंट कह रहा था, वो निकालेंगे 60%, तो हमने 18,000 का 60% निकाला, तो कितना आया, 10,800 रुपये, और 40% उधार होगी, तो 40% कितना आ गया, 7,200 रुपये। अब हमने 10,800 रुपये इसलिए नहीं लिखा था, क्योंकि जो 10,800 रुपये है 60%, उस पेमेंट के ऊपर क्या होगा, डिस्काउंट भी कटेगा, तो 10,800 का क्या निकालेंगे, 2% निकालेंगे, 216 रुपये आ जाएगा, कितना आएगा, 216 रुपये। तो अब 10,800 में से कितने पैसे कम दे रहे हैं हम उसको, 216 रुपये, तो 10,800 में से 216 गए कितने आगे, 10,584 रुपये, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री हो गई इसकी, तो देखो दोनों तरफ 18,000 और 18,000 की एंट्री होगी डेबिट और क्रेडिट साइड की। तो अब हम नरेशन लिखेंगे, फॉर गुड्स परचेज्ड कितने का, 20,000 रुपए का, एट ऑफ द रेट 10% रेट डिस्काउंट थी, एंड 2% कैश डिस्काउंट, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, 60% अमाउंट पेड इमीडिएटली,
इमिडिएटली था, तो हम इमिडिएटली लिखेंगे, यही था। इमिडिएटली तो हमने अमाउंट पे कर दी। उसके बाद आती है हमारी एट्थ डेट की एंट्री। एट्थ डेट पे जाते हैं हम, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। सिंपल ही एंट्री है, कितने से 10,000 रुपए से। तो हम यहाँ पे डेट डालेंगे, सबसे पहले हमने डेट डाली। तो डेट के अंदर क्या कह रहा है, इमीडिएट ये बैंक में जमा करवा दिए हैं। तो अब हमने बैंक में जमा करवाए हैं तो हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक हमारा डेबिट हो गया है टू, हमारे पास से क्या कम हो गया, कैश टू कैश अकाउंट। कितने से, 10,000 रुपए थे तो 10,000 रुपए से एंट्री करेंगे। 10,000 रुपए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 10,000। बैंक में चले गए हैं। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैश कम हो गया 10,000 रुपए, यहाँ लिख देंगे। तो नरेशन के अंदर लिखेंगे फोर कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। उसके बाद आती है हमारे पास नाइन्थ डेट की एंट्री, पेड सैलरी टू मोतीलाल बाय चेक रुपीज 2,000। 2,000 रुपए का चेक है मोतीलाल को दे दिया, पर कैसे दिया, सैलरी में दिया। जब खर्चा आता है तो खर्चे को डेबिट करते हैं, नाम को नहीं करेंगे कि पैसे मोतीलाल के पास जा रहे हैं। वो हम सिर्फ वहां पे दिखाएंगे नरेशन के अंदर, कितने दिए हैं 2,000। तो हम यहाँ पे 2,000 रुपए से एंट्री करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा, नाइन डेट की एंट्री थी सैलरी। सैलरी क्या होगी हमारी, डेबिट, क्योंकि खर्चा है तो सैलरी अकाउंट डेबिट। कितने से थी, 2,000 रुपए से। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2,000 रुपए लिख दिए, 2,000 रुपए। और कैसे दे रहे हैं, चेक से दे रहे हैं, मतलब कि टू बैंक, बैंक से पैसे कम हो गए, टू बैंक बताओ कितने से, 2,000। नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, फोर। अब बताएंगे कि इसको दी है सैलरी पेड टू मोतीलाल, मोतीलाल को दी है बाय चेक, चेक से दी है। उसके बाद आते हैं हम बैंक डेट की एंट्री पर। देखो क्या कह रहा है, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, खर्चा है 1,000 रुपए से, खर्चा है तो डेबिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डेट डालेंगे, तो हमने यहाँ पे डेट डाली 10 तारीख, ट्रेड एक्सपेंसेस तो डेबिट हो गया हमारा। कितने से, 1,000 रुपए से। टू पैसे कम हो गए, चेक कुछ नहीं लिखा हुआ था, 1,000। नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, फोर पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये एंट्री हो गई हमारी। जो आज का हमारा टॉपिक था वो था ओपनिंग बैलेंस का, और स्पेशली स्पेशल परचेज का। किस परचेज अगर
माल जो है फायर क्लोज बाय फायर हो जाए, चैरिटी में चला जाए, सैंपल में चला जाए, तो कैसे एंट्री करते हैं। तो आज का जो टॉपिक था हमारा यहीं तक था।